सलाम रॉकी भाई, सलाम रॉकी भाई, सलाम रॉकी भाई। जी हाँ दोस्तों, फिर से एक बार रॉकी भाई आ रहे हैं पर्दे पर आग लगाने। केजीएफ चैप्टर 3 की अनाउंसमेंट हो चुकी है। फिल्म मेकर्स ने दोस्तों एक टीजर जारी किया है और उस टीजर के अंदर केजीएफ चैप्टर 2 की तो झलक दिख ही रही है, साथ ही साथ दोस्तों ये हिंट दे दिया है कि केजीएफ चैप्टर 3 भी आएगी जल्दी ही। प्रशांत नील कर रहे हैं इस पे काम। आपको बता दूं दोस्तों कि आज पूरा एक साल हो चुका है केजीएफ चैप्टर 2 को रिलीज हुए और फिल्म मेकर्स ने इसका एक टीजर भी जारी किया था कि इस फिल्म ने वो झंडे गाड़े हैं कि 1200 करोड़ का कारोबार अभी तक किसी फिल्म ने नहीं किया है। दोस्तों इस फिल्म ने इतिहास रच दिया था। एक बंदा जो अपनी मां से किया हुआ वादा पूरा करने के लिए न जाने किन किन रास्तों से गुजरता है, न जाने किन किन गैंगस्टर की दुनिया में अपना दबदबा रखता है। दोस्तों माँ के वचन को पूरा करते हुए वो चैप्टर 2 में मर जाता है। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि ये भी अगर झूठी खबर हुई तो यानी कि केजीएफ चैप्टर 2 के अंदर जिस बंदे ने केजीएफ की कहानी जो बता रहा था वो भी झूठी निकली, यानी कि वो पुस्तक, वो जो किताब थी दोस्तों वो भी फेक किताब थी और हर वो कहानी जो केजीएफ चैप्टर 2 में आपने देखी है वो फालतू है, यानी कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। इसको आप एक सपना समझ लीजिए, यानी कि केजीएफ चैप्टर 3 की कहानी एक अलग ही आएगी। दोस्तों सूत्रों के हवाले पता चल रहा है कि केजीएफ चैप्टर 3 का जो बजट है वो लगभग 500 करोड़ का एक ह्यूज बजट होने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात बता दूं दोस्तों आपको कि प्रशांत नील जो है एक नया यूनिवर्स बना रहे हैं केजीएफ का। वहीं दूसरी ओर जैसे यशराज फिल्म अपना यूनिवर्स क्रिएट कर रहे हैं, यहां पर भैया प्रशांत नील और विजय किरण दोनों मिलकर एक ऐसा यूनिवर्स बना दिया है कि टॉलीवुड के अंदर दो बड़े दिग्गज, दो क्या तीन बड़े दिग्गज दोस्तों आपस में ही भिड़ेंगे। आपको बता दूं कि यश, इसके साथ ही साथ प्रभास और जूनियर एनटीआर, अगर ये तीनों शेर एक ही फिल्म में नजर आए दोस्तों क्या बात होगी। सितंबर में आ रही है दोस्तों सलार फिल्म, और सलार फिल्म में ऐसा कहा जा रहा है कि यश का स्पेशल कैमियो होगा। वो कैमियो के पीछे का रीजन मैं आपको इस वीडियो के अंत तक बताऊंगा। वहीं बात करूं कि केजीएफ चैप्टर 3 का प्री प्रोडक्शन जो होगा वो स्टार्ट होगा 2024 से, और फिल्म दोस्तों ऐसा कहा जा रहा है कि 2025 से लेकर 2026 के बीच में आएगी। क्योंकि दोस्तों आपको पता है प्रशांत नील जल्दबाजी नहीं करते फिल्मों को बनाने में, वो बंदा मॉन्स्टर फिल्में बनाता है यार, उसकी इमेजिनेशन बियॉन्ड है। आप बिलीव नहीं करोगे, चक्कर खा के गिर जाओगे दोस्तों, क्योंकि केजीएफ 2 का हाल हमने देख लिया है। केजीएफ 3 दोस्तों मैं अगर बताऊं कि केजीएफ 3 के अंदर जो मेन विलन है वो प्रभास होंगे, यानी कि यश जो है प्रभास से भिड़ेंगे, तो आपको बिलीव नहीं होगा दोस्तों। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि ये दो बड़े शेर आपस में लड़ेंगे तो क्या होगा। एक और बड़ी खबर सामने आई दोस्तों, आपको पता है कि केजीएफ चैप्टर 3 के अंदर किसका कैमियो होने वाला है? गैस दोस्तों, गैस। आपको बता दूं ऋतिक रोशन का स्पेशल कैमियो है यश की फिल्म में केजीएफ चैप्टर 3 में। दोस्तों फिल्म मेकर्स ने कुछ क्लू दिए हैं इस टीजर के अंदर केजीएफ चैप्टर 3 के रिगार्डिंग। आपको बता दूं कि इसके अंदर पहला क्लू ये है कि जो उसने वचन अपनी मां को दिया था क्या वो वचन को निभा पाएगा, यानी कि साफ साफ पता चल रहा है कि केजीएफ चैप्टर 2 के अंदर अगर यश पानी में कूद जाता है उसको मरता हुआ दिखाया जाता है, लेकिन दोस्तों वो एक फेक है, यानी कि मरा ही नहीं है। और वो जो 3 साल जो दूसरा क्लू है कि 1978 से लेकर 1981 के बीच यश कहां था, तो आपको बता दो दोस्तों रॉकी भाई जो 3 साल का गैप है ना, वो 3 साल का वही तो टर्निंग पॉइंट है जो कि फिल्म प्रभास की फिल्म सलार से जुड़ेगी। यानी कि दोस्तों अधीरा तो सिर्फ एक प्यादा था, मेन विलन तो कोई और ही है, और मेन विलन कोई और नहीं प्रभास है दोस्तों। एनटीआर का स्पेशल कैमियो भी। तो दोस्तों क्या लगता है कि 3 बड़े दिग्गज स्टार अगर एक ही फिल्म में नजर आएंगे, साथ ही साथ ऋतिक रोशन भी अगर नजर आ जाएंगे, तो दोस्तों क्या लगता है कि ऐसी फिल्म इतिहास रचेगी, ऐसी फिल्म झंडे गाड़ेगी 5,000-10,000 करोड़ के? दोस्तों वर्ल्ड वाइड में ऐसी फिल्में जो होती है ना वो छाप छोड़ जाती है। तो दोस्तों आपके क्या विचार है, कैसा लगा केजीएफ का चैप्टर 3 का पोस्टर? लाइक एवं कमेंट करो, अपने भाई रवि चौधरी को प्यार दो। और दोस्तों अगर आपको कुछ क्वेरीज है तो प्लीज मेंशन करो कमेंट बॉक्स में, और चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।